अफगान एयरफोर्स ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगान एयरफोर्स ने आतंकियों के एक झुंड पर ऐसी बमबारी की कि चंद सेकंड में ही सभी आतंकियों का सफाया हो गया। आतंकियों पर की गई एक एयर स्ट्राइक का वीडियो अफगान एयरफोर्स ने जारी किया है। महज 31 सेकंड के इस वीडियो में आतंकी अपने ठिकाने पर एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं, तभी उन पर अफगान एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर देती है और देखते ही देखते एक आग का गुबार उठता है और सबका सफाया हो जाता है। अफगान के रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी फवाद अमान ने इस घटना का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बताया कि अफगान एयरफोर्स ने तालिबानी आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की है। आतंकियों के ठिकानों पर अभी और स्ट्राइक होंगी। बता दें कि इससे पहले भी अफगान एयरफोर्स तालिबानी आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर चुकी है। बीती 4 अप्रैल को कंधार प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने जबरदस्त हवाई हमला किया था। इस हमले में 75 से अधिक तालिबानी आतंकियों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इस एयर स्ट्राइक में मरने वालों में तालिबानी आतंकी संगठन का प्रमुख कमांडर सरहादी भी मारा गया था। एयरफोर्स की कार्रवाई में टैंक समेत आतंकियों के कई वाहनों और उनके ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने मई के बाद से अफगानिस्तान में कई बड़े शहरों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेना की देश से वापसी की घोषणा के बाद से तालिबान ने आतंक बढ़ाते हुए अफगानिस्तान के 370 में से 50 जिलों पर कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में बड़े सैन्य अभियान चलाते हुए तालिबान देश के कई प्रांतों की राजधानियों के करीब पहुंच चुका है। यह जानकारी अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा लियोन्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी है। अमेरिका व अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों की मुलाकात से पूर्व उन्होंने परिषद को बताया कि इस साल की शुरुआत में विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा के बाद से ही अफगानिस्तान में तबाही शुरू हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।